दोस्तों, आरसीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही शानदार और दमदार रहने वाला है। तो सभी बच्चे क्या कर दो, इस वीडियो को जल्दी से क्या कर दो, लाइक कर दो, पहले लाइक ठोक दो और साथ साथ में शेयर भी कर दो। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। और आज हमारा जो शानदार जो टॉपिक है वो चलने वाला है एग्जाम, चाहे इंडिया में कैसी भी एग्जाम आए, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100% गारंटी है ये कि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, पंचायती राज व्यवस्था। कौन सा? हाँ जी, देखिएगा आप, पंचायती राज व्यवस्था। जो पंचायती राज व्यवस्था है उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं जी। बहुत ही बढ़िया है जी, बहुत ही शानदार तरीके से। तो बात किसके बारे में करेंगे? पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं वो सभी क्या कर दें, इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें ताकि मैं और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा पाऊं। जितनी ज्यादा संख्या बल होगी उतना ही ज्यादा हमें मजा आने वाला है। हाँ बिल्कुल मजा आएगा, अपन की क्लास में 100% मजा आएगा आपको। देखो, सीरियस होके मैं अभी पढ़ाने चालू करूंगा। तो सबसे पहले मैं यही बात करता हूं यहां से कि भाग 9 याद रखिएगा, क्वेश्चन पुटअप होंगे शुरू से ही, क्लास में क्वेश्चन पुटअप होने चालू हो जाएंगे। तो कौन से भाग में पंचायती राज व्यवस्था की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भाग कौन से में? 9 में ही बात कही गई है। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। कई बच्चों के कमेंट्स आने लग गए हैं। तो देखिएगा, यहां से बात करते हैं कि भाग कौन से में, भाग करते हैं भाग 9 में। कौन से भाग में? भाग 9 में क्या बताया गया है? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है जी। बहुत ही बढ़िया है जी। तो ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है? तो देखिएगा, यहां से बात करते हैं, अनुच्छेद बोल दो या क्या बोल दो, आर्टिकल बोल दो आप। तो यहां से बात करते हैं, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल भारतीय संविधान का 243। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? 243 में क्या बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन के बारे में बताया गया। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है जी। तो यहां से बात करते हैं, इसके बाद में इसमें कुछ चीजें और जोड़ी गई। यहां से क्या है, 243 ए से कहां तक? 243 ओ तक इसमें वर्णन किया गया है। किस चीज का वर्णन किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है जी। बहुत ही बढ़िया है जी। बात यहां से बिल्कुल हम जीरो लेवल से मैं लेके चलने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले मैं यही बात करने वाला हूं, जो मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? 243 जोड़ा गया था। तो पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो 243 में किया गया है जी। बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, अब जो पंचायत है इसको परिभाषित किया गया है कौन से आर्टिकल में? 243 में। तो पंचायती पंचायती राज व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल 243 में क्या किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। बात तो एक और करते हैं, 243 से ये क्या है, मूल संविधान में जोड़ा गया है जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। मूल संविधान, मूल संविधान में था।
यानी 243 है। ये मूल संविधान, मूल संविधान का मतलब होता है जब लिखा गया था संविधान उस समय जो आर्टिकल उपस्थित था तो वो कौन सा था, 243। याद रखिएगा कि राज व्यवस्था को परिभाषित कौन से आर्टिकल में किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है, कौन से भारतीय अनुच्छेद में किया गया है, तो 243 में इसका वर्णन किया गया है। और मूल संविधान में कौन से आर्टिकल में किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का, तो वो किया गया था 243 में। याद रखिएगा आप, बहुत ही अच्छी बात है। आगे की हम बात करते हैं कि 243 ए से 243 ओ तक ये क्या चीज है। तो याद रखिएगा जब भारतीय संविधान, जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से कि पंचायती राज व्यवस्था को में 243 ए से 243 ओ जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 243 ए से 243 ओ तक जो आर्टिकल है इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में हुआ। याद रखिएगा कि ये जो आर्टिकल है ये कब जोड़े गए, ये जोड़े गए 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया, 1992 में। तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि 73वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। और इसके माध्यम से जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका अनुच्छेद या आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक इसको जोड़ा गया है। तो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, ये कब जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। जा पहली बात तो यहां से देखिएगा, अब आपको पूछ ले कोई कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से कितने आर्टिकल जोड़े गए, तो 243 ए से ओ तक यानी कितने आर्टिकल जोड़ दिए, इसमें आर्टिकल 15 इसमें जोड़ दिए, यानी कितने हो गए आर्टिकल इसमें 15 हो गए। ए से लेके ओ तक कितने होते हैं काउंट कर लीजिएगा, तो इसमें कितने जोड़े गए, 15 जोड़े गए। अब आपको पूछ लिया जाए कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उनको कुल कितने आर्टिकल्स में बताया गया है, तो इनको कुल कितने में बताया गया है। एक तो देखो इधर 243, तो एक तो आर्टिकल ये हो गया और प्लस इधर कितने हो गए, 15 हो गए, तो टोटल मिलके कितने में वर्णन किया गया है, 16 आर्टिकल में इनका वर्णन किया गया है। बोलो नहीं समझ में आया तो मेरे को फटाफट बताइएगा। आप शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक ठोक दो। देखो अभी आजकल क्या है कि आपके लाइक कम आ रहे हैं तो फटाफट लाइक ठोक दो। देखो जितना ज्यादा आप लाइक ठोकेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा मैं जोश के साथ आपको पढ़ाऊंगा और उतना ही ज्यादा मैं कंटेंट आपको देने वाला हूं, शानदार तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाले हैं। लेकिन एक ही शर्त पे मिलेंगे, और वो शर्त क्या होती है कि आप शेयर नहीं कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को और अपने स्टेटस है उस पर भी इसको डाल दो, ताकि बच्चों को पता चले कि यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिकल साइंस चल रही है वो बहुत ही अच्छी चल रही है और बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सके। तो याद रखिएगा हमने बात क्या की थी, आज हमने बात की है पंचायती राज व्यवस्था की, और ये पंचायती राज व्यवस्था है इसका हम आज हमारा जो चैप्टर है इसके बारे में मैंने बताया। यहां से मैंने कहा है कि ज्यादा भी नहीं तो आपको हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। याद रखिएगा कि एक या दो क्वेश्चन तो चाहे किसी भी एग्जाम हो, चाहे आप बैंक की एग्जाम ले लो, एसएससी की ले लो, यूपीएससी की ले लो, आरएएस ले लो, किसी भी प्रकार की एग्जाम ले लो, बड़ी से बड़ी ले लो, छोटी से छोटी ले लो, हर में यहां से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। 100% एक क्वेश्चन यहां से बनता है, देखिएगा आप, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात की थी पंचायती राज व्यवस्था है इसका वर्णन भाग कौन से में किया गया, तो इसका वर्णन भाग कौन से में, भाग 9 में इसका क्या किया गया है जी, इसका वर्णन किया गया है। बोलो याद हो रहा है ना, तो पंचायती राज व्यवस्था की जो भाग कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया है, तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है जी।
ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। इसके बाद में करते हैं कि भारतीय संविधान, जो हमारा भारत का संविधान है, उसमें कौन से आर्टिकल में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। कौन सी व्यवस्था के बारे में? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। कौन से संविधान हमारा जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 है उसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और इस पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है कौन से में? 243 में। याद रखिएगा इसमें 243 ए से ओ तक है, ये बाद में जोड़ा गया है। मूल संविधान में कौन सा था? केवल 243 ही था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाए कि पंचायती राज व्यवस्था में मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, तो मूल संविधान में केवल एक ही आर्टिकल था जिसका नाम है 243, ये बाद में जोड़े गए। तो ये बात करते हैं, मूल संविधान था यानी मूल संविधान में था 243। जो पंचायती राज व्यवस्था को इसको में परिभाषित किया गया है, क्वेश्चन आ जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में परिभाषित किया गया है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे हो। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा आप कि पंचायती राज व्यवस्था को परिभाषित किया गया है, तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में पंचायती राज व्यवस्था को परिभाषित किया गया है, तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 243 में पंचायती राज व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। बहुत ही अच्छी बात है, याद रखना है आपको, यहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। देखिएगा आप, बात करते हैं अगली, 243 ए से लेके 243 ओ तक है, ये कब जोड़ा गया था, कौन सा भारतीय संविधान संशोधन के माध्यम से? तो भारतीय संविधान कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ? 1992 में हुआ। इसमें इसके माध्यम से ये जोड़े गए थे, यानी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का जो संविधान जो है आर्टिकल है वो 243 ए से ओ तक इसमें जोड़ा गया है। तो टोटल संविधान यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसमें टोटल कितने आर्टिकल जोड़े गए? तो इसमें टोटल कितने? 15। ए से लेके ओ तक कितने आर्टिकल होते हैं? 15 आर्टिकल होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन आ जाए आपके कि यानी कुल संविधान यानी इसमें पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, तो कुल पूछ ले तो आपको 15 तो ये इधर हो गए, एक ये इधर हो गया, तो टोटल मिला के 15 प्लस एक कितने हो गए? 16। तो 16 आर्टिकल में किसका वर्णन किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो बोलो मेरे दोस्तों, सभी दोस्त मेरे को ये बताइएगा कि बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, और थम का निशान मेरे को फटाफट करके भेजिएगा आप, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आपको बढ़िया तरीके से याद हो गया। बढ़िया तरीके से याद हुआ तो थम का निशान करके मेरे को फटाफट भेजिए। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, इसका मतलब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आपको सब कुछ समझ में आ गया। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप केवल क्या करें, केवल आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे पढ़ने की कोशिश करें, जितना हो सके आप अपनी बुक लेके बैठे ताकि उसमें लिख भी पाए, और मजा आएगा। मैं बोल रहा हूं कि आपको मजा आएगा, एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो आप मुस्कुराएंगे, लोग आपकी तरफ देखेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, और आपको बहुत मजा आने वाला है, ये देख लेना, मजा आएगा, मैं बोल रहा हूं पक्का मजा आएगा। हाँ जी, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले भाई। ठीक है जी, ले लिया होगा आपने, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से भैया आप पढ़ रहे हो, और इसी तरीके से आप अपनी स्टडी में लगे रहो। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। यहां से आगे की बात करते हैं, धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्यादा बहुत ही ज्यादा फास्ट में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या करें, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, और जो जिन बच्चों ने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारी जो प्लेलिस्ट होती है, आप सब बच्चे जानते हो, तो प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हो, सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जी। बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं, जो नई बात है वो बात क्या है, इसमें बात करते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा यहां से, पंचायती राज व्यवस्था को व्यवस्था को
स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। तो पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है, तो यहां से हम बात करते हैं जो स्थानीय स्वशासन है ये क्या चीज है। जो स्थानीय स्वशासन है इसमें पंचायती राज व्यवस्था और कौन शामिल होता है, नगर पालिका, इसमें दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें दोनों कौन से शामिल है, पंचायती राज व्यवस्था और कौन सी, नगर पालिका। ये दोनों क्या है, किसमें शामिल है, स्थानीय स्वशासन के में शामिल है। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो स्थानीय स्वशासन के नाम से इसे जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन में दो चीज मौजूद है, वो कौन कौन सी है, पंचायती राज व्यवस्था है और दूसरी इसमें कौन सी है, नगर पालिका भी इसमें है। तो स्थानीय स्वशासन में दोनों आती है, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका। बोलो यहां तक समझ में आया या नहीं आया, फटाफट मेरे को बताइएगा आप। अब यहां से बात करते हैं कि जो हमारे वैदिक काल है, बौद्धिक काल है, मुगल काल है, आधुनिक काल है, इसमें शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है और यहाँ के जो मुखिया होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो मैं एक भी चीज आपके लिए छोड़ूंगा नहीं, हर एक छोटी से छोटी चीज भी आपको मैं बता के चलूंगा। आपको पता है कि ये चीजें आपकी अभी एनटीपीसी के एग्जाम जिन बच्चों ने दी है तो उनको पता है कि यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लीजिएगा आप। तो यहां से बात करते हैं आगे, तो फटाफट आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, इसी तरीके से आप पढ़ते रहो। हाँ जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हो और आई होप कि आपको मजा भी आ रहा होगा, ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। अब बात यहां से करते हैं, तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं, हाँ जी, शासन काल। यहां से मैं एक तरफ तो लिखूंगा शासन काल और जो यहाँ पे दूसरी क्रम बात करेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग, बहुत ही अच्छी बात है जी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई और मुखिया, यहाँ पे तीन पार्ट बनाएंगे हम। यहां से देखते हैं, सबसे पहले तो शासन काल, ठीक है जी। दूसरा यहां करते हैं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, और यहां से करते हैं मुखिया, यानी इनके मुखिया को क्या कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये हमने बात की है जी। अब देखना, अब सबसे पहले हम यही से बात कर लेते हैं, तो ये लो किस किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। यहां से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहला जो काल ले लेते हैं वैदिक काल, कौन सा काल, वैदिक काल। अब सबसे पहले वे बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल में प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती थी, ये मेरे को बताओ। वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहा जाता था, बताइएगा आप। हाँ जी, वेरी गुड, इसको ग्राम या कुल क्या कहा जाता था, ग्राम, या फिर इसको बोलते थे कुल, ठीक है जी। अब जो इस वैदिक काल का जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम या कुल, तो इसका जो मुखिया होता था वैदिक काल में, तो इसके मुखिया को क्या कहा जाता था, बताओ बताओ मेरे को फटाफट, यदि आता है तो आपको। हाँ जी, वेरी गुड, ग्रामणी, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे की। अब देखो, पहला आपको पता चल गया है कि कौन सा है, वैदिक काल के बारे में बात की है। अब बात करेंगे कौन से काल की, इसी के आगे। हाँ जी, गुड, बौद्ध काल के बारे में,
अब इसमें भूतकाल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है उसको किस नाम से जाना जाता था? ग्राम के नाम से ही जाना जाता था, ये लोग ग्राम। अब इनका जो मुखिया होता था किसका? भूतकाल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी इनका जो मुखिया होता था उसको किस नाम से जाना जाता था बताओ? ग्राम योजक। किस नाम से जाना जाता था? ग्राम योजक के नाम से उसे जाना जाता था। इसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में? मौर्य काल में। कौन सा काल? तीसरे बारे में करते हैं, मौर्य काल। मौर्य काल, तो मौर्य काल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है तो उसको भी किस नाम से जाना जाता था? ग्राम के नाम से ही उसे जाना जाता था। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी। और ये जो मौर्य काल है इसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी उसका जो मुखिया होता था उस मुखिया को किस नाम से जाना जाता था बताओ मेरे को फटाफट बताओ जी। मुगल काल में ग्रामिक, ग्रामिक के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे। अब कौन सा काल आ गया फटाफट बताओ मेरे को? हाँ जी बहुत ही बढ़िया है, मुगल काल। अब बात करते हैं मुगल काल की। मुगल काल, अब मुगल काल है इसमें प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको किस नाम से जानते थे? ग्राम के नाम से ही जानते थे भैया। किसके नाम से? ग्राम, ग्राम के नाम से ही जानते थे। अब जो इनका जो मुखिया होता था उस मुखिया का क्या नाम था? वेरी गुड, मुकदम। क्या नाम से जानते थे? मुकदम के नाम से इसे जानते थे। अब बात करते हैं किसके बारे में? जो आधुनिक काल है उसके बारे में, जो हमारा वर्तमान चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल की बात करते हैं तो इसमें प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई है उसको किस नाम से जानते हैं? आज भी ग्राम के नाम से ही जानते हैं। किसके नाम से? ग्राम के नाम से ही। और इसकी जो मुखिया होता है आधुनिक काल में, आज का जो ग्राम का मुखिया होता है वो कौन होता है? सरपंच या फिर प्रधान। वेरी गुड, सरपंच या प्रधान, इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? सरपंच या प्रधान होता है। तो यहां से देखो ये इकाई है, ये शासन करने की इकाई है, इनके बारे में हमने बात की। यहां से एक बार दोबारा देखिएगा आप, हमने इधर क्या लिखा शासन काल, इधर क्या है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई और उधर क्या है मुखिया। यहां से भी काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो सबसे पहले हम कौन से काल की बात करते हैं? वैदिक काल की बात करते हैं। तो इसमें प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको किस नाम से जानते थे? ग्राम या फिर कुल भी कहा जाता था। इनका जो मुखिया होता था उसे किस नाम से जानते थे? ग्रामीणी कहा जाता था। याद रखिएगा कि जो कौन सा काल, वैदिक काल में मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता। इसके बाद में बौद्ध काल आया तो बौद्ध काल में इसके जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है उसको भी क्या कहा गया? ग्राम कहा गया। और इनका जो मुखिया होता है उसको क्या कहा गया? ग्राम योजक के नाम से जाना गया। इसके बाद में जो काल आता है उसके बारे में बात करते हैं, मौर्य काल। तो मौर्य काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है उसको किस नाम से जाना गया? ग्राम के नाम से ही जाना गया। और इनका जो मुखिया होता था उस मुखिया को क्या कहा गया? ग्रामिक कहा गया। क्या कहा गया? ग्रामिक कहा गया। आगे बात करते हैं मुगल काल की, और मुगल काल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है उसे को भी किस नाम से जाना जाता है? ग्राम के नाम से जाना गया। और इनका जो मुगल काल का जो मुखिया होता था ग्राम का उसको किस नाम से जाना जाता था? मुकदम के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मुकदम के नाम से जाना जाता था। आज बात करते हैं कि आज जो आधुनिक काल है, आज का जो वर्तमान काल है उसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम ही है। और ग्राम को आज इसका जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? सरपंच बोल देते हो या फिर आप क्या बोल देते हो? इसको प्रधान बोल देते हो। तो यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज्यादा संभावना होती है। तो आपको समझ में आया तो थम का निशान करके मेरे को सेंड करो प्लीज, जल्दी से जल्दी क्या करो आप सेंड करो ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको समझ में आया है और मैं आगे बढ़ पाऊं। हाँ जी फटाफट आप क्या करो, थम का निशान सेंड करते रहो। हाँ जी बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से इसका मतलब आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो आया तो आप फटाफट क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। हाँ जी बहुत ही बढ़िया बात है जी, समझ में आ रहा है आपको। हाँ जी
ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो कर दो इसको साफ, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है, मजा आ रहा होगा आपको। हाँ जी, क्यों नहीं आएगा यार, आएगा, मजा तो आएगा ही, पढ़ने में ही मजा आता है, ठीक है ना। शानदार तरीके से आप पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। और आपको पता है कि लगभग एग्जाम की डेट आ चुकी है आपके सामने, तो एग्जाम यहां से काफी सारी डेट आ चुकी है, तो इन डेटों का भी ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा अपना जो समय है वो पढ़ाई में लगा के रखिए। आपको पता है भैया, आज प्राइवेट आदमी जो भी काम करता है तो इतनी उसको क्या है, आपको सबको पता है, लेकिन आज हमें कोरोना टाइम में पता चला है कि गवर्नमेंट नौकरी होती क्या चीज है। घर पे बैठे हैं लेकिन पैसे आ रहे हैं, बस सीधी बात यही है, तो मजा तो होना ही चाहिए ना। तो इस बात के गवर्नमेंट जॉब की सबको पता चल गई वैल्यू क्या होती है, तो सभी लोग लग गए ना तैयारी में। तो भैया आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी पढ़ाई को क्या बनाए रखो, रेगुलर बनाए रखो, मजा आने वाला है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। अब यहां से देखो एक बात और मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट बात है, और मैं सबसे आपको हटके बताता हूँ, सबसे हटके मैं बताता हूँ, एग्जाम में नंबर ऐसे नहीं आने वाला आपका, ये देख लो, सबसे हटके चीज बताता हूँ। जो भी ये पंचायती राज व्यवस्था है, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल है उनमें सर्च करके देखो, इतना ऐसा ही पढ़ाया गया है क्या, देखना एक बार, मजा आ जाएगा, आपको खुद को पता चलेगा। कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ ताकि आपको क्या रहे कि आपको ये पता चले कि हाँ यहाँ कुछ पढ़ रहे हैं। और यदि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ रहा है ना, तो मैं एक ही बात करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जितने भी आपके सोशल मीडिया है उन पे सब पे शेयर कर दो, बस एक ही बात चीज है। आपको देखो, आपको पता है कि सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन आपसे क्या मांगा जा रहा है, कुछ नहीं मांगा जा रहा है, केवल नॉर्मल सा है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, केवल इतना ही तो मांगा जा रहा है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, आप इसको क्या करो, लाइक ठोक दो भैया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब यहां से बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि जो स्थानीय स्वशासन है, इसमें मैंने अभी बताया कि स्थानीय स्वशासन है, इसमें क्या क्या शामिल है, पंचायती राज व्यवस्था शामिल है और साथ साथ में नगर पालिका भी इसमें शामिल है। अब बात आती है, क्या बात आती है, यहां से क्वेश्चन बनता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, सभी मेरे को आंसर कीजिएगा। हाँ जी, स्थानीय स्वशासन का जनक बता दिया क्या आपने, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना गया। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है, हरीश ने बहुत अच्छा सा आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया भैया। हाँ जी, तो इसका जो क्या माना गया, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना गया है, लॉर्ड रिपन को माना गया है, लॉर्ड रिपन को माना गया है, लॉर्ड रिपन को क्या माना गया है, स्थानीय स्वशासन का क्या माना गया है, जनक माना गया है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो कौन है भाई, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, लॉर्ड रिपन को माना गया है। किसको माना गया है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या माना गया है जी, जनक माना गया है। तो फटाफट आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं और भी, ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है जी, ले लिया होगा। चलो यहीं से मैं आगे एक थोड़ी बहुत बात हो रहा है वो और बता देता हूं, यहां से एक छोटी सी बात हो रहा है वो देख लो, लॉर्ड रिपन ने एक क्या किया था। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी, प्रस्तावना लाया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावना लाया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावना लाया गया, क्या लाया गया भैया, प्रस्तावना लाया गया, क्या लाया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्तावना लाया गया। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, एक प्रस्तावना लाया गया जिसमें तीन बातें इंपोर्टेंट है, तीन बातें कौन कौन सी इंपोर्टेंट है, क्या कहा गया इस प्रस्तावना में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, हाँ जी, तालुका बोर्ड, इसमें किसके बारे में बात कही गई, तालुका बोर्ड किसके बारे में बात कही गई, तालुका बोर्ड लाया गया। दूसरा क्या लाया गया, तालुका परिषद, तालुका परिषद।
और तीसरी बात जो लाई गई वो क्या लाई गई जी? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी ठीक है, कोई नहीं है, ओके। तो यहां से हमने बात की गई कि लॉर्ड रिपन है, देखो सबसे पहले यही बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और लॉर्ड रिपन है, इसने क्या किया था? प्रस्तावना लाया गया। उस प्रस्तावना में दो बातें, तीन नहीं है यहाँ पे, दो बातों को इंपोर्टेंट दिया गया। इसमें क्या लाया गया? लॉर्ड कौन सा तालुका बोर्ड और कौन सा तालुका परिषद के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? तालुका बोर्ड और तालुका परिषद के बारे में बताया गया है। हाँ जी, या स्थापित किया गया है। बहुत ही बढ़िया बात है जी, बहुत ही। प्रस्तावना को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? मेघना काटा भी कहा जाता है। क्या कहा गया है? हाँ जी, यहां से देखिएगा, प्रस्तावना को, हाँ जी, क्या कहा गया है? प्रस्तावना को स्थानीय स्वशासन, हाँ वेरी गुड, प्रस्तावना को स्थानीय स्थानीय स्वशासन का स्थानीय स्वशासन का क्या कहा गया है जी? मेघना काटा कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है जी। तो यहां से देखिएगा आप कि सबसे पहले हमने बात की कि स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। कौन है? लॉर्ड रिपन है। और लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? एक प्रस्तावना लाया गया था जिसमें कि किसके बारे में बताई गई है? दो के बारे में बात बताई गई है, तालुका बोर्ड के बारे में बात की गई है और तालुका परिषद, इन दोनों की बात की गई है। यहाँ पे बात करते हैं कि प्रस्तावना जो लाया गया था उसको स्थानीय स्वशासन में क्या कहा जाता है? मेघना काटा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है जी यहां से, ठीक है? आपको ये बात समझ में आई होगी तो आप फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें भैया, जल्दी से आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे के बारे में बताया जाए, ठीक है जी? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। ठीक है, ले लिया होगा, बहुत ही बढ़िया बात है। यहां से देखिएगा, अब आपके क्या बनते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तो मैंने पढ़ाना चालू नहीं किया है, केवल इसके बेस के बारे में बता रहा हूं और यहां से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है जी? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, और वो बात क्या आने वाली है उसके बारे में देखना है। हाँ जी, भारत शासित अधिनियम 1919 के तहत क्या बताया गया है कि भारत शासित अधिनियम 1919 में पंचायती राज व्यवस्था को क्या आंशिक रूप से राज्य सूची में शामिल किया गया है। हाँ जी, भारत शासित अधिनियम 1919 के माध्यम से, किसके माध्यम से? 1919, हाँ जी वेरी गुड, 1919 में पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था को आंशिक रूप से किसमें शामिल किया गया है जी? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है, राज्य सूची में शामिल किया गया है, राज्य सूची में शामिल किया गया है, यानी जो भारत शासित अधिनियम है, कौन सा? 1919 है, उसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को आंशिक रूप से राज्य सूची में शामिल किया गया है। आंशिक का क्या मतलब होता है? पूर्ण रूप से नहीं, किसमें? पूर्ण रूप से नहीं, यानी पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है, यानी आंशिक रूप से इसे शामिल किया गया है जी। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कि भारत शासित अधिनियम 1935, यहां से देखिएगा, भारत शासित
अधिनियम 1935 में पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण रूप से राज्य सूची में शामिल किया गया है। तो बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या? यहां पे क्या बात की है कि भारत शासित अधिनियम कौन सा 1919 भारत शासित अधिनियम 1919 में पंचायती राज व्यवस्था को आंशिक रूप से राज्य सूची में शामिल किया गया है। यानी आंशिक रूप का मतलब होता है पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है, आंशिक रूप से शामिल किया गया है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि राज्य सूची में पूर्ण रूप से शामिल कौन से भारत शासित अधिनियम में किया गया है, तो भारत शासित अधिनियम 1935 में पंचायती राज को पूर्ण रूप से राज्य सूची में शामिल किया गया है। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है जी। हाँ जी, तो बोलो समझ में आया ना आपको? बहुत ही बढ़िया बात है जी। आज बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कौन सी सूची में शामिल किया गया है, तो राज्य सूची का विषय है। हाँ जी, बात करते हैं स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, सूची का विषय है। तो कौन सी सूची का विषय है जी? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बहुत ही आंसर आपके बहुत ही अच्छे आ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का क्या है, विषय। तो देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले भारत शासित अधिनियम 1919 में पंचायती राज व्यवस्था को आंशिक रूप से शामिल किया गया, किसमें? राज्य सूची में। लेकिन इसे पूर्ण रूप से शामिल कौन से भारत शासित अधिनियम में किया गया? भारत शासित अधिनियम 1935 के माध्यम से इसे पूर्ण रूप से शामिल किया गया, कौन से में? राज्य सूची में। अब बात करते हैं कि वर्तमान में या स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसको कौन सी सूची में शामिल किया गया है, ये राज्य सूची का विषय है भैया। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है जी। बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पे आर्टिकल 243 के है उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 243 में जो के है उसमें क्या बताया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों का क्या किया जाएगा? चुनाव करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? चुनाव करवाया जाएगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहां से अभी आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी, और आगे की जो भी बात होने वाली है वो हमारी कल के वीडियो में होगी। और आप लोगों से मैं जाने से पहले आपको एक ही बात कहूंगा, जाने से पहले इस वीडियो को सभी बच्चे क्या करेंगे? लाइक करेंगे, और जाते जाते हर एक बच्चा एक या दो ग्रुपों में इसको शेयर करेगा, और जितनी ज्यादा संख्या बल आप यहां लेके आओगे ना उतना ही मजा आएगा, और उतनी ही एनर्जी के साथ में पढ़ाऊंगा, और उतने ही ज्यादा मैं आपको कंसेप्ट दूंगा जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं ये ने आपको शुरू में ही इस वीडियो के बारे में कहा था कि यहां से चाहे आप किसी भी एग्जाम ले लो, यहां से कम एक दो क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम आ जाए। तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, और यदि समझ में आया तो शेयर कर दो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और कल मिलते हैं इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।